इसे कहते हैं असली पलटवार। पुणे टेस्ट में टीम इंडिया के चार धुरंधरों ने कर दिखाया कमाल। बेंगलुरु टेस्ट में टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था और पुणे टेस्ट के पहले सेशन में भी न्यूजीलैंड भारत पर हावी था, लेकिन जैसे ही दिन का खेल खत्म हुआ टीम इंडिया पूरी तरह से न्यूजीलैंड पर हावी हो चुकी है। इस पलटवार के पीछे चार भारतीय खिलाड़ियों का चमत्कारी प्रदर्शन रहा, जिसने मैच की दशा और दिशा दोनों ही बदल कर रख दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चार हीरो कौन हैं और उन्होंने क्या कमाल किया, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़े हीरो रहे वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने न्यूजीलैंड के सात बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। शुरुआत के तीन विकेट अश्विन ने चटकाए थे और ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड 350 से 400 रन आराम से बना लेगी, लेकिन तभी वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी फिरकी का जादू चलाया और न्यूजीलैंड की पूरी टीम 259 रनों पर ढेर हो गई। इस मैच में टीम इंडिया की सबसे मजबूत कड़ी वॉशिंगटन सुंदर का प्रदर्शन रहा। दूसरे हीरो रहे रविचंद्रन अश्विन। पहले टेस्ट मैच में अश्विन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे और उन पर सवाल भी उठने लगे थे, लेकिन अश्विन ने शानदार वापसी की। उन्होंने न्यूजीलैंड की पहली पारी के शुरुआती तीन विकेट लेकर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। अश्विन और सुंदर की जोड़ी ने कुल 10 विकेट लिए और न्यूजीलैंड की कमर तोड़कर रख दी। बुमराह, आकाशदीप या जडेजा कोई विकेट नहीं ले पाए, लेकिन इन दोनों ने टीम को मजबूत बढ़त दिलाई। रोहित शर्मा के पिच को लेकर किए गए फैसलों में कुछ कमियां भी दिखी, लेकिन अश्विन और सुंदर ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से इन कमियों की भरपाई कर दी। तीसरे हीरो शुभमन गिल, जो अभी 10 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं। रोहित शर्मा के जीरो पर आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया कुछ मुश्किल में पड़ रही थी, लेकिन शुभमन गिल ने आते ही कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले और टीम को स्थिरता दी। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए अपनी जगह बनाई और उम्मीद है कि वे अगले दिन शानदार शतक पूरा करेंगे, जिससे भारत की जीत की नींव और पक्की हो जाएगी। चौथे हीरो यशस्वी जायसवाल हैं, जो 6 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर मौजूद हैं। रोहित शर्मा की अस्थिर बल्लेबाजी के विपरीत यशस्वी ने मजबूत साहस और संयम दिखाया, अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में लाने में मदद की। शाम के वक्त बल्लेबाजी करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यशस्वी ने धैर्य से खेलते हुए इस चुनौती का सामना किया। अब भारतीय टीम की योजना होगी कि अगले दिन और तीसरे दिन भी पूरी बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा स्कोर खड़ा करे, ताकि चौथे और पांचवें दिन न्यूजीलैंड को आसानी से मात दी जा सके। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।